हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मेरे चैनल का नाम है वर्षा ब्यूटी केयर। आशा करती हूँ दोस्तों कि आप सब अच्छे होंगे। आज की जो वीडियो है ना, ये मोस्ट रिक्वेस्टेड वीडियो है। इस वीडियो की रिक्वेस्ट मेरे पास बहुत समय से आ रही थी, लेकिन घर में शादी थी और फिर मुझे मानो मेरी बॉन्डिंग भी करानी थी, तो इस वजह से मैं ये रिक्वेस्ट आपकी पूरी नहीं कर पाई हूँ समय पर। तो उसके लिए आई एम सो सॉरी फ्रेंड्स। लेकिन आज की जो वीडियो है ना, ये मैं आपकी रिक्वेस्ट पर ही लेकर हाजिर हुई हूँ। तो प्लीज दोस्तों, ज्यादा से ज्यादा लाइक कर देना, शेयर कर देना। आपकी डिमांड पर मैं हमेशा वीडियो बनाती हूँ। अगर किसी एक पर्सन ने भी रिक्वेस्ट किया, अगर किसी एक सब्सक्राइबर ने भी एक वीडियो का रिक्वेस्ट किया, तो मैं वो भी बनाती हूँ। दोस्तों, आपको मेरे चैनल पर बहुत सारे रिक्वेस्टेड वीडियो मिल जाएंगे। मैं हमेशा स्पेशली लिखती हूँ थंबनेल में कि ये रिक्वेस्टेड वीडियो है, ताकि आप लोगों को पता चल जाए कि हाँ जी, मैं रिक्वेस्टेड वीडियो भी बनाती हूँ। तो दोस्तों, आपकी जो भी रिक्वेस्ट होगी वीडियो की, अगर मुझे वो कंटेंट पसंद आता है, तो मैं डेफिनेटली उस टॉपिक पर वीडियो बनाऊंगी। और अगर आप अपनी पसंद की वीडियो बनवाना चाहते हैं, तो प्लीज़ मुझे इंस्टाग्राम पे भी मैसेज करके ज़रूर बता देना, और यहाँ भी कमेंट करके बता सकते हैं। मैं हमेशा सबके कमेंट्स और मैसेज ज़रूर चेक करती हूँ, सबके रिप्लाई भी करती हूँ। दोस्तों, आपने देखा भी होगा। तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। तो आप लोग काफी समय से ये डिमांड कर रहे थे, ये फरमाइश कर रहे थे कि दी आप अपने बालों में ना किसी और की हेल्प से मेहंदी लगवाएं। तो अभी और तो कोई नहीं है अभी जिसे मेहंदी लगानी आती हो, ठीक है। मेरे आसपास में अभी फिलहाल ना तो इतना किसी के पास समय है कि कोई स्पेशल आए, और मतलब सब कैमरे के सामने शाये होते हैं, कोई नहीं लगवाता मेहंदी और ना ही कोई लगाता है। तो मैं अपनी बेटी के बालों में आज मेहंदी लगाने जा रही हूँ, मिष्टी के बालों में। जी हाँ, आज मैं मिष्टी के बालों में हिना लगाने वाली हूँ। मेहंदी का कोई भी नुकसान नहीं होता है कभी भी, क्योंकि मेहंदी एक हर्बल प्रोडक्ट है, एक हर्बल चीज़ है, तो उसका कभी कोई नुकसान नहीं होता है अगर वो सही तरीके से लगाई जाए। हर चीज़ अगर सही तरीके और सही समय पर या सही समय के लिए लगाई जाए, तो उसका कोई भी नुकसान नहीं होता है। और हिना से रिलेटेड फ्रेंड्स, आपको मेरे चैनल पर ढेरों वीडियोस मिल जाएंगे। हिना से रिलेटेड मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए हुए हैं, तो आई बटन पर लिंक दे दूंगी, या फिर आप हेयर केयर की जो मेरी लिस्ट है, प्ले लिस्ट है वीडियो की, वो प्लीज़ एक बार चेक जरूर कर लीजिएगा। आई एम श्योर आपको पसंद आएगी और आपके लिए हेल्पफुल भी होगी। इसमें मैंने बहुत हेल्पफुल टिप्स शेयर किए हुए हैं फ्रेंड्स। हिना को कैसे लगाया जाता है, हेयर डंक एंड वॉश की वीडियो बनाई हुई है, और हैवी शैम्पू, हैवी फॉर्मिंग शैम्पू मैंने बनाया हुआ है, उस पर भी वीडियो बनाई हुई है। और मेहंदी को कैसे वॉश किया जाता है, कैसे बालों से निकाला जाता है, कैसे धोया जाता है, इस पर भी मैंने वीडियो बनाई हुई है फ्रेंड्स। तो प्लीज़ चेक कर लेना। आप हमेशा पूछते हो हिना से रिलेटेड, क्या ये वीडियो बनाई है, क्या ये वीडियो। देखिए, आप प्लेलिस्ट चेक करेंगे तभी आपको पता चलेगा फ्रेंड्स। और हिना से रिलेटेड मुझे बहुत सारे मैसेजेस हमेशा आते रहते हैं आपके इंस्टाग्राम पे। लेकिन फिलहाल फ्रेंड्स, आप जानते होंगे कि मैंने रिबॉन्डिंग कराई हुई है, आप देख सकते हो। और ये जो कलर आप देख रहे हो ना, ये मैंने जो पहले कलर किया था तब की ही ये कलर है, और ये मेहंदी का कलर नहीं है, तब से ही कलर है मेरे बालों में। तो अभी आज मैं मिष्टी के बालों में हिना लगाने जा रही हूँ। और हिना को मैंने किस तरीके से लगाया है और कितनी देर के लिए लगाया है, ये आप खुद ही देख लीजिएगा। दोस्तों, ये वीडियो थोड़ी भी हेल्पफुल लगे या आप इस वीडियो को परचेज करना चाहते हैं, तो प्लीज़ मुझे इंस्टाग्राम पे ज़रूर मैसेज कर दीजिएगा। और हिना से रिलेटेड अगर और भी वीडियोस अगर आप मेरे परचेज करना चाहते हैं, या हेयर से रिलेटेड जितने भी मेरे वीडियोस हैं, अगर इनमें से कोई भी वीडियो आपको पसंद आती है, अगर आप इसे परचेज करना चाहते हैं, बाय करना चाहते हैं, तो प्लीज़ मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करके ज़रूर बता दीजिएगा। तो चलिए फटाफट से देख लेते हैं फ्रेंड्स कि मैंने आज मिष्टी के बालों में मेहंदी कैसे लगाई है। अगर आपकी बेटी भी 10 साल से ऊपर है या आपका बेटा 10 साल से ऊपर है, तो आप उसके बालों में हिना लगा सकते हैं। वैसे हर रोज़ हिना नहीं लगाने वाली हूँ मिष्टी के बालों में, आपकी फरमाइश पर ही मैंने ये मिष्टी के बालों में हिना लगाई है, और कोई नुकसान नहीं है, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं। और फ्रेंड्स, ये जो मिष्टी के बालों में आज मैंने हिना लगाई है ना, ये सिर्फ 1 घंटे के लिए ही लगाई थी, इससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि हैवी हो जाता है बन और फिर हेडेक होने लग जाता है, और मैं नहीं चाहती कि वो इतना दर्द सहन करे बिना वजह वो भी। और मैं उससे बार बार पूछ रही थी, सो डोंट वरी, मैं उससे बार बार पूछ रही थी कि अभी दर्द तो नहीं हो रहा है, तो उसने बोला नहीं मम्मी अभी ठीक लग रहा है। लेकिन जैसे ही मिष्टी ने बोला कि मम्मी हाँ आप वॉश कर दो, और तब तक ड्राई भी हो चुकी थी, 1 घंटे तक उसने रख ली थी बिना किसी झिझक के, तो 1 घंटे बाद मैंने उसके बालों से हिना को वॉश कर दिया था। और नेक्स्ट डे उसने स्कूल जाना था, तो मैंने ऑयलिंग वगैरह अभी नहीं की है। हैवी ऑयलिंग की अगर आप वीडियो देखना चाहते हैं, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बता देना फ्रेंड्स, वो भी मैं ज़रूर बना दूंगी। तो आपको ये आज का वीडियो कैसा लगा है फ्रेंड्स, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फ्रेंड्स, ये है नूपुर हिना, ये ग्रीन और ब्राउन दोनों ही कलर में आपको मिल जाती है। इसमें आपको छोटा और बड़ा दोनों पैक मिल जाएंगे, और ये आपको ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों ही जगह पर मिल जाएगी आसानी से। फ्रेंड्स, ये जो बाउल आप देख रहे हैं, मैंने स्पेशली हिना के लिए ही इसे रखा हुआ है। और हिना का पाउडर आपने अपने बालों की लेंथ के अकॉर्डिंगली लेना है। अगर आपके छोटे बाल हैं तो थोड़ी लग जाएगी, और ज़्यादा लंबे बाल हैं तो आपको ज़्यादा क्वांटिटी में पाउडर लेना है। तो इस तरीके से मैंने इसमें पानी मिला लिया। अब मैं थोड़ा सा इसमें दही भी ऐड कर लूँगी। दही बिल्कुल ऑप्शनल है फ्रेंड्स। दही वैसे अगर आप इसमें ऐड करते हैं ना, तो आपके बाल सिल्की, सॉफ्ट और स्मूथ बनते हैं, शाइनी बनाते
बनाती है, दही जो है आपके बालों को और डैंड्रफ को भी कंट्रोल करती है। तो दही बहुत अच्छा कंडीशनर का काम भी करती है, आप इसमें चाहें तो दही भी ऐड कर सकते हैं। अगर आपको एग पसंद है यानी कि अंडा पसंद है तो आप इसमें एक अंडा भी फेंट कर अच्छे से डाल सकते हैं, घोल तैयार कर सकते हैं। अब मैं इस हिना को ना 1 घंटे के लिए रख दूंगी और उसके बाद मिष्टी के बालों में लगाऊंगी। तो 1 घंटा हो चुका है इस मेहंदी को। एवरीवन, तो मिष्टी के बालों में मेहंदी लगाने के लिए मैं तो रेडी हूँ और मिष्टी भी लगवाने के लिए रेडी है। ये है मिष्टी के बाल, दिख रही होंगे, देखो भाई। मेहंदी जो मैंने घोल कर रखी थी, इसे 1 घंटा हो चुका है और अब मैं इसके बालों में लगाने जा रही हूँ मेहंदी यानी कि हिना। तो ये देखो भाई मिष्टी क्या कर रही थी। मिष्टी को नहीं पता था कि कैमरा ऑन है और मिष्टी की ये वाली मस्ती ना मैंने कैमरे में बंद कर ली। तो ये देखो अपने बालों के साथ खेल रही है, मस्ती कर रही थी। इसे नहीं पता था बिल्कुल भी कि कैमरा ऑन है और ये रिकॉर्ड हो जाएगा, तो मैंने ये क्लिप भी इसमें ऐड कर दी। जब भी आप अपने बालों में कोई भी हेयर पैक लगाते हैं, हेयर मास्क लगाते हैं ना, तो आप अपने बालों को अच्छे से सुलझा लीजिए। इससे जो भी प्रोडक्ट होता है वो आपके बालों में आसानी से लग जाता है। बालों में गांठ वगैरह नहीं रहनी चाहिए, बाल बिल्कुल सुलझे हुए होने चाहिए ताकि हिना वगैरह कलर वगैरह जो आपके बालों में है अच्छे से लग जाए और एक जैसा लगे। तो ये देखिए मैंने सेंटर में बन बनाया है। सबसे पहले यहाँ पर थोड़ी थोड़ी हिना अप्लाई की है। अब आपने भी बालों का थोड़ा थोड़ा सेक्शन लेकर हिना लगानी है। और इससे पहले भी दोस्तों मेरे चैनल पर आपको ढेरों वीडियोस मिल जाएंगे कि हिना को कैसे लगाया जाता है, हिना को कैसे वॉश किया जाता है और सफ़ेद बालों में हिना कैसे लगाई जाती है, कैसे घोल तैयार किया जाता है। दोस्तों इन सभी टॉपिक पर मैंने वीडियो बनाई हुई है, प्लीज़ मेरे चैनल पर ज़रूर विजिट कीजिएगा। आई एम श्योर आपको सभी वीडियोज़ पसंद आएंगी, आपके लिए हेल्पफुल भी होंगी। दोस्तों ये वीडियो भी थोड़ी भी हेल्पफुल लगती है, अच्छी लगती है ना, तो प्लीज़ दोस्तों लाइक कर देना, शेयर कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, साथ में जो बेल बटन से प्रेस कर देना। दोस्तों बहुत मेहनत करती हूँ अपनी हर एक वीडियो के लिए। ये देखिए मिष्टी का बन रेडी है, कैसी लग रही है आज। वैसे मैंने ना मिष्टी के बालों में पहली बार हिना लगाई है। वैसे हिना का कोई नुकसान नहीं है और वैसे भी मिष्टी की उम्र 10 साल से ऊपर हो गई है, 11 साल की हो गई है, तो लगा सकते हैं आप बच्चों को भी। तो हिना का वैसे भी कोई नुकसान नहीं होता है क्योंकि हिना हर्बल है और पहले के टाइम में भी सब लगाते ही थे ही ना, तो ऐसी कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अभी बन बन जाएगा तब भी मैं आपको दिखाऊंगी। और फ्रेंड्स अगर आप इस वीडियो को परचेज करना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करके बता देना, आप बात कर सकते हो वहां भी। चलो भैया आप एक प्यारी सी पिक्चर क्लिक करेंगे मिष्टी की। प्यारी रहेगी, बाकी ऋषि मुनि लग रही है। और अब मैं इस हिना को सिर्फ 1 घंटा रखूंगी, इससे ज्यादा नहीं, क्योंकि मिष्टी के बालों को मुझे कलर नहीं करना है, बस शाइनिंग के लिए लगा रहे हैं। थोड़ी सी मतलब कंडीशनिंग हो जाएगी बालों के अच्छे से। तो ये देखिए भाई, चलिए आगे के बालों में थोड़ा सा और लगा देते हैं। ये देखिए भाई, तो ये हो गए मिष्टी के बाल अच्छे से हिना में कवर। गुड लुकिंग, कितना क्यूट लग रहा है मेरा बच्चा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, आप हमेशा बोलती हूँ कि पीछे से भी बन को ज़रूर दिखाइएगा, तो पीछे से आप बन देख सकते हो कुछ इस तरीके से बना है फ्रेंड्स। और 1 घंटे बाद ही मैंने इस हिना को वॉश कर दिया था और 1 घंटे में ना ये बहुत अच्छे से सूख भी गई थी। तो बस इसके बाद मैंने इसके बालों में शैम्पू कर दिया था क्योंकि मिष्टी ने ना नेक्स्ट डे स्कूल जाना था। ऑयल मैं बाद में लगाऊंगी क्योंकि अभी मैंने ऑयल नहीं लगाया है। तो ये देखिए मिष्टी के बालों में मैंने हिना लगाई थी और अच्छे से ये ड्राई हो गई है। नीचे करो बेटा हेड, ये देखो अच्छे से ये ड्राई हो गई है और अभी गर्मी है तो 1 घंटे में ड्राई हो जाती है हिना, तो अच्छे से ये सूख गई है। और अभी मैं इसके बालों को वॉश करने जा रही हूँ, तो चलिए मैं इसके बालों को वॉश करने के बाद आपको रिजल्ट दिखाती हूँ। सो फ्रेंड्स आप यहाँ पर देख सकते हो मैंने मिष्टी के बालों को अच्छे से सुलझा लिया था। मिष्टी के बाल ना बहुत जल्दी उलझ जाते हैं, तो मैंने यहाँ पर मैट्रिक्स का हेयर सीरम लगाकर इसके बालों को अच्छे से सुलझा लिया था। मिष्टी के बालों पर भी हिना का रिजल्ट बहुत ही अच्छा आया था, बाल काफ़ी सॉफ्ट और स्मूथ और शाइनी भी लग रहे हैं जैसा कि आप देख सकते हो फ्रेंड्स। अगर आप आगे भी ऐसी हेल्पफुल वीडियोज़ देखना चाहते हैं तो प्लीज़ दोस्तों इस वीडियो को भी लाइक शेयर कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, साथ में जो बेल बटन है इसे प्रेस कर देना। दोस्तों मैं आगे भी आपके लिए ऐसी हेल्पफुल वीडियोज़ लेकर आती रहूँगी फ्रेंड्स। नेक्स्ट वीडियो आप किस टॉपिक पर देखना चाहते हैं ये भी कमेंट करके जरूर बताइएगा। आप मुझे फॉलो कर सकते हो फेसबुक, इंस्टाग्राम और मोज पर भी। मैं आपसे मिलती हूँ ऐसी हेल्पफुल वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।